आज हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक ऐसे रहस्यमय और प्राचीन मंदिर में जो भारत के 108 शक्ति पीठ स्थलों में से एक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं धारी देवी माँ के दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर से सड़क में, और सड़क से लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है, तो हम स्कूटी से जाने वाले हैं। और ये है राम प्रकाश भाई, जो कि हम दोनों इस सफ़र में जाने वाले हैं, और मैं वीडियो बनाऊँगा और भाई जी यहाँ पर हमें ले जाएंगे। गर्मियों का मौसम है भाई, पर यहाँ पे जो गढ़वाल में आपको ये ठंडी हवाएं जो स्पर्श करती हुई निकलती है ना, बड़ा ही आनंद का अनुभव आता है, और मन कर रहा था बस ऐसे ही चलते जाएं। जो सुंदर दृश्य चारों ओर दिख रहे थे वो भी काफ़ी मनमोहक थे, लेकिन यहाँ पे जो है एक ट्रक हमें दिखाई दिया। ये हादसा जो हुआ था यहाँ पे, एक सिलेंडर विस्फोट हो गया था इसमें, उसके बाद धड़ाधड़ जो सिलेंडर ने विस्फोट किए, उसके बाद इसके पड़खच्छे उड़ गए, देख सकते हैं आप। जो आप रोड देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे, जो कि ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल की ओर आता है, और अलकनंदा के तट पर विराजमान श्रीनगर का ये सुंदर सा शहर जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और ये जो विशाल नदी आपको दिख रही है, इसका जो एरिया खाली दिख रहा है, ये एरिया तब बढ़ता है जब यहाँ पर बारिश होती है। अभी इसमें नदी में पानी कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा दृश्य है। साधु लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करते हैं चारों धाम की, साथ में आपको यहाँ पे पेड़ पौधों की अटूट संपदा मिलने वाली है, क्योंकि आप उत्तराखंड में हो और ऐसी रोड तो भाई दिखने वाली है आपको। तो ज़रा संभल के अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आराम से चलिए, मस्त चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी के चरणों में, और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है मंदिर। तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए जगह भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो भाई थे, इन्होंने अपनी दुकान के पास ही हमें स्कूटी खड़ी करने के लिए दे दिया, और हमने इनकी दुकान से जो है प्रसाद लिया। और राम प्रकाश भाई यहाँ पर अपने बाल को सहला रहे हैं, और अब हमारा सफ़र होता है मंदिर की ओर, जो कि सड़क के पास ही गेट स्थित है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मंदिर। उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, और ये जहाँ पे भी दिखते हैं बस हम बैठ जाते हैं और इनको सुनते हैं, क्योंकि इनसे जो नेचुरल जो ध्वनियाँ निकलती है ना, वो आपके दिल तक झंकोर देती हैं, बड़ा ही आनंद आता है। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के जस्ट पास, सड़क से लगभग जो है 200 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। सड़क से नीचे है डाउन की ओर, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे दुकानें मिल जाएंगी, और माता के लिए आपको प्रसाद यदि खरीदना है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, और अपने जूते चप्पल उतारने के लिए यहाँ पे आपको पर्याप्त जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप सुरक्षित अपने जूते और चप्पल रख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर हाथ मुँह धुला, और उसके बाद ये है जय माँ धारी देवी का मंदिर, और यहाँ पे
जो आप पुल क्रॉस करने वाले हो, एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। बिल्कुल ठंडी हवाएं आपको छूती हुई पार कर जाती है। और पहले जो ये मंदिर था, चलो इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पे दर्शन कीजिए। बड़ा ही मस्त और आनंदमय ये सफ़र था जहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये है प्रवेश द्वार। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है, और मंदिर के अंदर जो है फ़ोन को ले जाना वर्जित है। उसके पीछे भी कारण है जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने वाले हैं। और घंटियों का यहाँ पे तो अंबार है, तो इसी से आप लगा सकते हो कि श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा और भक्ति है वो कितनी ज़्यादा है। और माँ के पास जो भी सच्चे मन से आता है, उनकी मनोकामना कभी भी अपूर्ण नहीं रहती है, हमेशा पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ धारी देवी उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की रक्षा करती है। माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रों की रक्षक देवी भी माना जाता है। और यहाँ पे एक रहस्यमय चीज़ जो प्रतिदिन घटित होती है वो यह है कि माता की जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक कन्या, दिन में युवती और शाम के समय एक बूढ़ी महिला के रूप में नज़र आती है। माँ धारी देवी का मंदिर आज से नहीं बल्कि द्वापर युग से यहाँ पर विराजमान है, यह कहना है यहाँ के पुजारियों का। और 16 जून 2013 अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट बांध के निर्माण के लिए माँ धारी देवी का जो मूल स्थान था, मूल मंदिर था, उसको हटा दिया गया। और अलकनंदा नदी जो कि आप देख रहे हैं, इससे लगभग 611 मीटर की ऊँचाई पर कंक्रीट के एक मंच पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और शायद जो तारीख मैंने आपको बताई होगी वो आप भी आज तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि उसी दिन केदारनाथ में बादल फटने से एक विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पूरे तीर्थ शहर और ना जाने आसपास के कितने गांव और तीर्थयात्रियों की जान ले गया था। और स्थानीय लोगों का मानना यह है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया। तो आज के इस सफ़र में हमने माँ धारी देवी के दिव्य दर्शन किए और आप लोगों को इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश की। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। सेट।